Well, I must say that these guys have raised a bar to this level for cafeterias and hangout places in Patna. So, yeah, it's amazing. इस वक्त मैं जिस कैफे में मौजूद हूँ, ये कैफे 17वें माले पर है और आप यहाँ से पूरे पटना को देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये नज़ारा देखिए, जहाँ आपको मैं 17वें तल्ले से ये पूरे पटना का नज़ारा दिखा रहा हूँ, और दूसरी तरफ आपको ये बेहतरीन कैफे जो कि राजधानी पटना के बिस्कोमान के 17वें तल्ले पर खुल चुका है, आप ये नज़ारा देखिए किस तरीके से, कितना खूबसूरत ये इंटीरियर नज़ारा है, और रूफ टॉप का आप मज़ा जो है वो इस कैफ़े में ले सकते हैं। आप सबसे पहले ये नज़ारा देखिए और हम कितनी ऊंचाइयों पर हैं वो भी हम आपको एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरह से यहाँ पे मैं 17वें तल्ले पे मौजूद हूँ और ये बेहद ही खूबसूरत कैफ़े आज से राजधानी पटना में खुल चुका है, और आप यहाँ से राजधानी पटना के चारों इलाकों का नज़ारा ले सकते हैं। और मैंने आपको ये जो कैफेटेरिया का जो रूफ टॉप है ये दिखाया, अब अंदर कैफ़े का नज़ारा दिखाऊंगा और अंदर की तरफ आपको ले चलते हैं जहां अंदर आप कैफ़े को देखेंगे कि कितना खूबसूरत ये कैफ़े राजधानी पटना के बिस्कोमान के 17वें तल्ले पर खुल चुका है। लोग भी आने शुरू हो गए हैं और लोग जो है वो बेहतरीन स्वादिष्ट व्यंजन का इस कैफ़े में आनंद लेने लगे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मॉकटेल बार बनाया गया है, जहाँ पर आप जो भी पीना चाहते हैं मॉकटेल के तौर पर वो आपको यहाँ पे मिल सकता है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से कई सारे मोजीटो है जो है अलग अलग प्रकार के, ब्लू लगून, ग्रीन एप्पल और मैंगो, और साथ ही साथ कोल्ड कॉफ़ी भी मौजूद है और अलग अलग फ्लेवर के यहाँ पर बनाए जाते हैं। और अब आपको ये पूरा कैफ़े का नज़ारा जो है वो हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से कितना खूबसूरत इंटीरियर से इस कैफ़े को बनाया गया है, और ये कैफ़े जो है और काफ़ी खूबसूरत है, जैसे सेल्फी पॉइंट वाला जगह है, आप यहाँ पर आकर के इस कैफ़े का मज़ा ले सकते हैं, और साथ में खूबसूरत बैकग्राउंड से इसे सजाया गया तो आप सेल्फी भी ले सकते हैं। कुछ लोगों से जानेंगे कैसा लग रहा है इस कैफेटेरिया में आकर के, राजधानी पटना में ये पहली बार खुला है, 17वें तल्ले पे है। वेल, आई मस्ट से दैट दीज गाइज हैव रेज्ड अ बार टू दिस लेवल for cafeterias and hangout places in Patna. So, yeah, it's amazing. I'm enjoying myself. Thank you. पहली बार ऐसा खुला है तो ज़्यादा enjoy कर पा रही हूँ। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पहली बार खुला है, क्योंकि इनके पहले भी इनका है एक पिंड बलूची, वो भी काफ़ी अच्छा था और ये भी बहुत ही अच्छा है। सो या बहुत ही मज़ा आ रहा है, और ये एम्बियंस और फूड और खास करके इसका जो आउट साइड जो रूफ है राइट, वो भी बहुत ही कमाल का है, वहाँ से नज़ारा बहुत ही कमाल का है, इट्स यम। तो आई थिंक इट्स यू नो मस्ट विजिट। खाना खाया, खाना कैसा लगा? खाना बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, ना ज़्यादा तेल ना मसाला, इट्स वेरी गुड मेरे। देखिए लोग अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे पहुँच रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम इस कैफे को लेकर के क्या कहेंगे, कितना खूबसूरत लग रहा है? बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत एफर्ट गई है। प्लीज़ सपोर्ट अस इन दिस वेंचर, न्यू वेंचर्स, वी नीड टू टेक दिस कैफे टू अ न्यू हाइट। सो प्लीज़ एवरीवन लाइक आवर पेज आल्सो। एंड कैसे एंजॉय कर सकते हैं इस कैफे में? कैफे में उसका बाहर जो आउटर एरिया आप उसको देख रहे होंगे, आप वहाँ पे रिसेंटली सूना वी विल स्टार्ट कुका एंड ऑल्सो, सो आप एम्बियंस का मज़ा लीजिए, बाहर के इन्वायरमेंट का मज़ा लीजिए, और मैं सबके साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर आइए। कैफे के अमर जी हैं, अमर जी इस कैफे में क्या खास है जो बाकी पहले पटना के कैफे में? अमित जी कितना खास है? दिस कैफ़े इज़ बेसिकली, हमने वो एरिया एक आउटजोन एरिया बनाया, आपने देखा होगा ये एरिया जहाँ पे हमने बनाया, इट्स ऑलमोस्ट 65-70 कवर, जहाँ हम कॉन्टिनेंटल सर्व करेंगे, इंडियन है, चाइनीज़ है, तंदूर है, ये सारा तो हम सर्व करेंगे। बेसिकली एक क्राउड कोई एक इस जगह का प्लेस, आई होप सो पटना में ऐसा नहीं होगा कहीं भी, जो हमने उन्हें डेवलप किया है, और एक यूथ कल्चर को हम लोग यहाँ डेवलप करना चाहते हैं। एंड इट्स कैन यू कैन ऑल्सो सी हाउ ब्यूटीफुल वी हैव मेड दिस, और हमारी USP है बाहर का टेरेस जो उससे बेसिकली है, एंड वी हैव किप्ट फॉर हाउ दैट यंग क्राउड को होता है ना कि हैंग करने के लिए एक अच्छा जगह चाहिए, जहाँ कोजीनेस जगह चाहिए, तो दिस इज़ वन ऑफ द वेन्यू दैट वी हैव डेवलप्ड इन दैट वे, एंड दिस इज़ द दिस एंड प्लीज़। चलिए तो अमित हमारे साथ ही जो कि इस कैफ़े के बारे में बता रहे थे, और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो यहाँ पर आउटर एरिया है वो कितना खूबसूरत है, जहाँ पर युवा जो है वो पहुँच सकते हैं और इस कैफ़े का मज़ा ले सकते हैं। और देखिए कि कितना खूबसूरत व्यंजन जो है वो इस कैफ़े में मिलेगा आपको खाने के लिए। देखिए किस तरीके से पनीर टिक्का है, मोमोज है, दिस इज़ फॉर ए वेलकमिंग टू द गेस्ट फॉर दैट, बट प्रॉपर यहाँ का हमारा कॉन्टिनेंटल होगा। बेवरेजेस में हमने बहुत ही वाइड वैरायटी दिया है, बेवरेजेस में मॉकटेल्स आपको कम से कम 150
types of mocktails you will be getting, soothing drinks you will be getting. एक सवाल है कि ये इतना खूबसूरत है, इतने टॉप जगह पे है, तो लोगों के मन में आएगा कहीं ये महंगा कैफे तो नहीं है? नहीं नहीं, ये आज पटना में जो भी कैफेज चल रहे हैं, इफ यू कंपेयर टू दैट कैफेज, आवर कैफे इज वेरी बजट फ्रेंडली एंड वी हैव टारगेटेड दैट जो यूथ हैं जो स्पेंड करना चाहते हैं, उस हिसाब से हमने बड़ा बजट फ्रेंडली और बहुत ही ये में किया है अपने मेन्यू को डिज़ाइन, ताकि कोई भी हमारे कैफे में आ करके वो चीज़ को अवेल कर सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं. तो ये इट्स नॉट वेरी कॉस्टली, जो एक परसेप्शन है लोगों के मन में कि हाँ आवर कैफे माइट बी वेरी कॉस्टली, बट इट नॉट सो. चलिए तो आप भी आइए और यहाँ पे आउटसाइड टेरेस का मजा लीजिए, और साथ ही साथ इतना खूबसूरत नज़ारा है जहाँ आप सेल्फी ले सकते हैं, साथ ही खाने को आपको बहुत कुछ टेस्टी मिलेगा. अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना.